हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो गाइज, अगर आप भी JNV क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हो तो फाइनली एडमिशन फॉर्म आउट हो चुका है, जो मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, DOB कितना होना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो ये NVS का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 11th लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप क्लिक करके जा सकते हो डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 3 लाइन आपको देखने को मिलेगा। 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ पर आप जाएंगे थोड़ा सा नीचे, फिर यहाँ पर आप देखेंगे एडमिशन वाले सेक्शन में एडमिशन नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, जो भी नया नया नोटिफिकेशन आता है, जो भी रिजल्ट का लिस्ट आता है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन आया है, जो कि 10 मई को आया था। तो यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, PDF का ऑप्शन है यहाँ पर। तो प्रोस्पेक्टस होगा, जिसमें आपको क्लास 11th के जितने भी एडमिशन से रिलेटेड जो भी सूचना है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर क्लास 11th, यहाँ पर आपको इसमें इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो इसमें शॉर्टकट में आपको बताया गया होगा। और यहाँ पे आप इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले लिंक पे। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे PDF वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसको PDF में ओपन कर लेंगे। PDF में ओपन करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है। तो यहाँ पर लिखा है एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर क्लास 11th फॉर द सेशन 2023-24 अगेंस्ट वैकेंट सीट्स इन जवाहर नवोदय विद्यालय। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट डेट सबसे पहले लिखा हुआ है, लास्ट डेट टू अप्लाई 31/5/2023, यानी इसी महीने के 31 तारीख तक लास्ट डेट है। तो आप जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर दो, एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, वरना आप जानते हो कि JNV का जो वेबसाइट है क्रैश हो जाता है, काम नहीं करता है। तो आप जल्दी से जल्दी 31 मई से पहले कंप्लीट कर दो। और यहाँ पे डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, जो सिलेक्शन टेस्ट होगा, जो एग्ज़ाम होगा, 22/7/2023 को होगा, यानी 22 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम होगा आपका। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड क्लास 10th ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2022-23। तो जो भी कैंडिडेट होंगे, जो भी एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उनका जो क्लास 10th पास किए हैं 2022-23 में पास होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। आप 2020, 2021, 2022 से पहले किए हैं तो आपका एडमिशन फॉर्म एलिजिबल नहीं होंगे आप, इस बात को ध्यान देना है आपको। और एक और चीज़ दिया है, गया है फ्रॉम अ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय इज़ फंक्शनिंग। और एक बात और दिया गया है यहाँ पे कि आप जो क्लास 10th पास किए हैं तो वो आपका सरकारी स्कूल से पास होना चाहिए, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से आपको 10th होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें नवोदय विद्यालय अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय नहीं है और आप एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपका फॉर्म बेकार जाएगा। अब यहाँ पर अगर एज लिमिट की बात करें तो एज क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट यहाँ पर है बॉर्न बिटवीन 1/6/2006, यानी 1 जून 2006 से लेकर 31/7/2008, यानी 31 जुलाई 2008 के बीच आपका जन्म तिथि होना चाहिए। उससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा तो आपका एलिजिबल नहीं होंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपका एडमिशन फॉर्म बेकार चला जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नीचे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आपको जो गुड क्वालिटी एजुकेशन ये सब चीज़ें के बारे में बताया गया है यहाँ पर, तो इससे अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं सिलेक्शन टेस्ट लिखा हुआ है, सिलेक्शन टेस्ट। तो सिलेक्शन टेस्ट में आप देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कहां कहां से आएंगे। मेंटल एबिलिटी होगा, इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा। और यहां पे दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, OMR सीट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका क्वेश्चन। बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर, यानी दो भाषिया आपका पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा। और 4 सिलेबस एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया प्लीज़ रेफर टू NVS नोटिफिकेशन। तो आपको नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा, उसका लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसमें फुल डिटेल्स में बताया हूँ कि 11th का फॉर्म कैसे भरना है, क्या 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 चीज़ दिया गया है, सब कुछ पूरा डिटेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है।
और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है इफ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास टेंथ स्टडी एंड रेसिडेंस आर द सेम ओनली देन द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट। तो अगर आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में क्लास टेंथ पास किया है और उस डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय अवेलेबल है तभी आपका मेरिट बनेगा उस डिस्ट्रिक्ट में, वरना नहीं बनेगा। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया कि 31 मई लास्ट डेट है, लास्ट डेट 31 मई है और 22/7/2023 को होगा एग्ज़ाम आपका, और आपका एज 1/6/2006 से लेकर 31/7/2008 के बीच होना चाहिए, उससे कम बेसी नहीं होना चाहिए। और एक बात और बता दूं, इसमें छोड़ा गया है फ़ी नहीं बताया गया, जो आप क्लास करेंगे तो आपका फ़ी कितना लगेगा पर मंथ वो नहीं बताया गया यहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस में आपको क्या दिया है, प्रोस्पेक्टस में दिया है 600 पर मंथ आपको रुपया देना होगा। अगर आप 11th में एडमिशन हो जाता है तो आपका 600 पर मंथ लगेगा, तो इस बात को आपको ध्यान देनी है सब कुछ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।